हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध ट्यूटोरियल। आज की जो टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इनमें क्या होती है, जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। इनके नेम से ही क्लियर हो रही है कि डायमेंस 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी एंड ट्राइमेंस 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। एंड डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड अनडिफरेंटिएटेड लेयर प्रेजेंट होगी, मेसोगीलिया। ओके, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड मिडिल लेयर जो होगी मेसोडर्म होगी। ओके, आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको जर्म लेयर दिख रही होगी, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म एंड जो मिडिल लेयर है मेसोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक में। एंड डिप्लोब्लास्टिक में आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड जो अनडिफरेंटिएटेड लेयर है मेसोगीलिया। ओके, तो बात करें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इस फाइलम में थी, फाइलम नाइडीरिया एंड फाइलम टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बॉडी में 2 लेयर थी, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन फाइलम नाइडीरिया एंड फाइलम टीनोफोरा में थी एंड फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। ओके, एंड फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन 3 जर्म लेयर थी, आउटर इक्टोडर्म, इनर इंडोडर्म एंड मिडिल मेसोडर्म। एंड उसके बाद जितने भी फाइलम थे उनमें क्या थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुकी थी। ओके, फाइलम एस्केलमेंथिस में फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एनीलिडा, सारे फाइलम में क्या थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।